अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। अभी मैं सो के उठी हूँ, सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लोड शेडिंग की वजह से कितना मसला हो रहा है। जो कि सर्दी का तो मौसम है, पर आपको पता है कि बिजली ना हो तो सारे काम रुक जाते हैं। तो आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम जाएंगे, लाइट नहीं है तो घूमने भी जाना है और हमने बर्थडे पर भी जाना है। आपको बहुत मज़ा आएगा आज के व्लॉग में, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से देख सकते मैंने अभी तक कम्बल से निकलने का दिल भी नहीं कर रहा मेरा, तो ऊपर से बिजली भी चली गई। तो आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमने जाना है बर्थडे पर भी, किसकी बर्थडे पर जाना है आप लोग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा हमने सीवीए पर भी घूमने जाना है, क्योंकि घर में तो लाइट नहीं है तो चलो घूम फिर के बंदा आ जाए। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ, मटर क्योंकि आजकल मटरों का सीज़न है, तो आप छील के इनको स्टोर करके रख लें फ्रीज़र में, तो जितना अर्सा आपके पास मटर अवेलेबल ना हो तो आप फ्रीज से निकाल के इनको यूज़ करें। काफ़ी सारे मैंने छील लिए, ये रह गए छीलने में और ये छील के निकले। चलो, मेरे चैनल पर नए हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका, इसी तरह मुझे लाइक शेयर सपोर्ट करते रहे मेरे व्लॉग्स को, अगर पसंद आते तो देख सकते हैं। निकालना सर्दी में छीलना बड़ा मुश्किल है, हाथों में भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, पर ये आसानी हो जाती है अगर हम छील के इनको रख लेंगे तो काम आते हैं। जब कभी मटर का सीज़न ना हो तो आप फ्रीज़र से निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप बाहर रखें, गर्म पानी डालें और वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए हम भी मटर ले आए और छील के उनको स्टोर करके रखते हैं। चलो, मेरे नए चैनल पर नया है, बहुत शुक्रिया आप सबका, इसी तरह मुझे लाइक शेयर सपोर्ट करते रहा करें। जल्दी जल्दी से इनको फिनिश कर लूँ, फिर इनको मैंने वॉश करके स्टोर कर देना है। सकते हैं हम लोग सीरिय साइड पे हैं, इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे, बच्चों के खेलने की भी जगह अच्छी है। सामने देखे सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, आराम से बच्चे भी हमारे खेल रहे हैं, सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, धूप भी अच्छी है और ये अंदर कुछ यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह तैयार हो रही हैं। यहाँ पे लोग आके गाड़ी भी सीखते हैं और वॉक की भी अच्छी जगह है, धूप भी अच्छी है यहाँ सामने देखे। ये देख सकते हैं कुछ हरियाली हरियाली तो नहीं सीखी, विकास करेंगे, कैसी हैं आप? क्यों तैयार हुई हैं आज इतनी? हैप्पी बर्थडे। किसकी हैप्पी बर्थडे है? अच्छा, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, आपको अच्छा लग रहा है? फ्रेंड, घूम फिर के मैं वापस आ चुकी हूँ घर, तो यहाँ पे लाइट भी आ चुकी है शुक्र है अल्लाह का, 12 बज रहे हैं शायद तब लाइट आई है, तो मैंने कहा थोड़ी सी स्किन केयर भी करते हैं,
उसके लिए मैंने लोशन ले लिया, और आपको पता है बाहर जाते हैं तो टेस्ट वगैरह लग देती है। उसके बाद क्लिनजिंग मिल्क मैंने ले लिया। आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द मामलों का खास ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद दिखेगा। नेक्स्ट फिर आपसे न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।